हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज साई प्रिया, आई होप ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ लोटस हर्बल की स्किन व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग जेल क्रीम की रिव्यू। ये है SPF 25+, जो कि आपके अनअवेन पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, डार्क स्पॉट को रिड्यूस करके स्किन को ब्राइट एंड व्हाइटनिंग बनाता है। तो ये प्रोडक्ट अभी मैं 1 मंथ हो गया परचेज की हूँ। अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो 435 रुपीज़। इसको मैं डी मार्ट से ली थी तो मुझे 245 रुपीज़ से ये प्रोडक्ट मुझे मिला था, और प्राइस मुझे बहुत अच्छी ऑफर में ये प्रोडक्ट मिली थी। आप चाहे तो ऑनलाइन, नहीं तो लोकल शॉप से भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है ये, हमारे स्किन को नेचुरली व्हाइटनिंग करने में हेल्प करता है, हमारे स्पॉट जो होते हैं उसको रिड्यूस करता है। और मैं आपको इस प्रोडक्ट की डेमो भी करके दिखाऊंगी। पैकेजिंग की बात करूँ तो कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें है ग्रेप्स। हमारे फेस में जितने भी फाइन लाइंस के प्रॉब्लम है, स्पॉट की प्रॉब्लम से, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से, उसको रिड्यूस करके ये हमारे स्किन को व्हाइटनिंग करने में हेल्प करेगा। ये क्रीम को आप डे क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कहीं बाहर जा रहे हैं तो इवनिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्रीम है, हमारे फेस को ये इजीली नेचुरली एक ग्लो देता है। ये क्रीम जो है नॉन स्टिकी है, नॉन ऑयली है, नॉन ग्रेसी है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कुछ अप्लाई की हो आपके फेस में। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है क्योंकि ये जेल क्रीम है। अगर स्किन टाइप की बात करें तो ऑल स्किन टाइप के लिए सुइटेबल है। पैकेजिंग कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, तो एंड आपको मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह की ग्लास बोतल में ये आता है, देख सकते हैं पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छा है, लग्जरियस पैकेजिंग है इसकी। और क्रीम की कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो जैसे हम डे क्रीम यूज़ करते हैं उस तरह की है। प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इस तरह की इसमें कवर भी है। तो इसकी जो कलर की बात करूँ तो ये वाइट कलर में आता है, एंड मैं अपने हैंड में अप्लाई करके दिखाती हूँ। आगे मैं आपको अपने फेस में अप्लाई करके दिखाऊंगी, करके दिखाती हूँ। ये बहुत जल्दी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, उसके साथ साथ स्किन को इंस्टेंट ब्राइट बनाता है, वाइट बनाता है। 7 डेज में ये अच्छा सा रिजल्ट देता है ये क्रीम। तो अभी भी मैं भी कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ, एंड आप मेरे फेस भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिंपल हुआ था तो वो अभी धीरे धीरे रिड्यूस होके उसके स्पॉट भी रिड्यूस हो रहे हैं। तो मुझे तो ये क्रीम काफ़ी अच्छा लगा। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, रिव्यू भी देख सकते हैं और इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप मेरी ये प्रोडक्ट की जो रिव्यू आपको शेयर की हेल्पफुल रहे, और अभी मैं आपको इसकी डेमो करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पूरी फेस में मैं अप्लाई कर चुकी हूँ इसको। फेस को क्लीन करने के बाद जेंटली अप्लाई करना है, डॉट डॉट करके, उसके बाद ब्लेंड कर लेना है। ये जेल क्रीम है तो इजीली ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी ऑयली या चिपचिपा नहीं लगता, बहुत ही लाइट वेट लगता है स्किन में। तो अप्लाई करने के बाद आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप मेकअप भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे है अप्लाई करने में। अगर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है तो आप ये 1 प्रोडक्ट यूज़ करें, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा आपकी स्किन को क्लियर करने में, पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट को रिड्यूस करने में। तो मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, एंड आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मेरे स्किन में ब्लेंड हो चुकी है। सो गाइस, अगर आपको इसकी डेमो एंड रिव्यू पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।